मुरादाबाद खेलों को लेकर बेहतर प्रयास करता है और उसमें सफलता भी हासिल होती है, मगर कोरोना वायरस के चलते 7 महीने से खेल एक तरह से बंद थे और एक बार फिर अब 7 महीने के बाद तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय की क्रिकेट अकेडमी को शुरू कर दिया गया है। तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन का यह कहना है कि जहां पीतल नगरी के नाम से हमारा मुरादाबाद जाना और पहचाना जाता है, तो वहीं खेलों के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाता है और इसी बातों को ध्यान में रखकर एक बार फिर एक अच्छे प्रयास के साथ क्रिकेट अकेडमी को शुरू कर दिया गया है। आज क्रिकेट अकेडमी में बच्चे अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। कोच मोहम्मद बदरुद्दीन सिद्दीकी का ये कहना है कि हमारा प्रयास ये है कि खेलों के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें। मुरादाबाद में 7 महीने से बंद पड़ी क्रिकेट अकेडमी सोमवार को शुरू कर दी गई, जिसके बाद खिलाड़ियों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की क्रिकेट अकेडमी को सोमवार को शुरू कर दिया गया। पहले दिन क्रिकेट मैदान पर बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और सभी खिलाड़ियों ने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन और क्रिकेट कोच मोहम्मद नसरुद्दीन सिद्दीकी को धन्यवाद दिया। बताते चले कि पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान सभी संस्थानों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा आदेश दिए गए थे, जिसके बाद शिक्षक संस्थान के साथ सभी संस्थानों को बंद कर दिया गया था। 7 महीने बीतने के बाद आज सभी व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की क्रिकेट अकेडमी शुरू होने के बाद विद्यार्थी फूले नहीं समा रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए युवा खिलाड़ियों का कहना था कि आज हम बहुत खुश हैं कि हम एक बार फिर क्रिकेट मैदान पर अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। महामारी के दौरान खेल बंद था और घर पर ही थे, ऐसे में प्रैक्टिस भी नहीं पा रही थी और मैदान को हम काफी याद कर रहे थे। 7 महीने के बाद आज दोबारा हम खेल मैदान पर लौट कर आए हैं तो काफी खुशी महसूस हो रही है। हमें अब आशा है कि जो कमियां हमारे अंदर थी उनको दूर करने के लिए हम काम करेंगे और खेल के माध्यम से माता पिता के साथ शहर का नाम रोशन करेंगे। सर, काफी कुछ मिस हो रहा था, ग्राउंड नहीं जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कुछ कर नहीं रहे हैं और घर पे स्ट्रेंथ किया, पर उतना होता नहीं है जो ग्राउंड में होता है। सर ने एकेडमी खोली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के, आज मैच खेल के काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। काफ़ी समय के बाद एकेडमी शुरू हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत टाइम बाद हुई है और अच्छा लग रहा है आज ग्राउंड पे आके, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। अब आप आगे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, कैसे आप सारी चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं? सर जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ है अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा कवर होने में, क्योंकि बहुत टाइम से आउट ऑफ द ग्राउंड थे, तो अभी अच्छे से करते हैं सर, देखते हैं किस हिसाब से हो पाएगा। क्रिकेट कोच का कहना है कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन के दिशा निर्देश पर आज एक बार फिर क्रिकेट एकेडमी शुरू कर दी गई है। 7 महीने से बंद पड़ी क्रिकेट एकेडमी दोबारा शुरू होने के बाद एक अच्छा माहौल मैदान में दिखाई दे रहा है। कुलाधिपति सुरेश जैन द्वारा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। हमें आशा नहीं, पूर्णता विश्वास है कि एक बार फिर मुरादाबाद की इस धरती से बेहतर खिलाड़ी निकलकर भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे और मुरादाबाद का नाम रोशन करेंगे। जी बदर सर, ये कितने महीने बाद आपकी एकेडमी शुरू हुई है और क्या चीज़ आपने मिस की? देखिए, बिल्कुल 19 मार्च से हमारी एकेडमी बंद थी और आज ओपन हुई है 19 अक्टूबर को ही, ये समझ लीजिए काफ़ी कुछ मिस किया है और काफ़ी बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है क्रिकेट मुरादाबाद की, क्या और भी बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं सब ने ही, और जितने भी लड़के थे काफ़ी अनफिट हो गए हैं अब घर में पड़े हुए, और कोई ट्रायल वगैरह नहीं हुए कुछ, अभी एक पिछले हफ्ते से मैचेस वगैरह शुरू हुए हैं, तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि अब दोबारा से रंग में आएगी क्रिकेट। तो आइए, आपकी ये जो TMU एकेडमी है का दोबारा शुरू किया है आपने सभी? जी हाँ, TMU का ग्राउंड आज ही खोला गया है, अभी तक बंद था क्योंकि कोविड का हॉस्पिटल बना हुआ था यहाँ, इस वजह से भी बंद था, तो आज हल्के हल्के अब शुरुआत हो रही है, जैसे गाइडलाइन आ रही है सरकार की कि अब सारी चीज़ें खोली जाएँ हल्के हल्के, उसी के हिसाब से आज से एकेडमी खुली है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का, कि जो उन्होंने सबके बारे में सोचा और खिलाड़ियों के बारे में और पढ़ने वाले बच्चों के बारे में, सबको स्कूल खोलना है। देखिए, कोविड में आपको अपनी केयर खुद करनी है, देखभाल आपको खुद ही करनी है, दूरी भी बना के रखनी है, मास्क भी पहनना है, तो उसके साथ साथ आपको सारे काम भी करने हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो ये निर्णय लिया गया बहुत अच्छा निर्णय है कि आपको सारी चीज़ें खोल दी गई हैं और आपको अपने केयर करते हुए इन चीज़ों को आगे लेके जाना है। क्या माना जाए, उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि आपके ग्राउंड से और आपके मार्गदर्शन में कुछ बच्चे प्रदेश स्तर या नेशनल स्तर पर पहुँचे हैं, अब आने वाले समय में भी हमें कुछ ऐसी उपलब्धि मिलेगी? देखिए, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं इस टाइम भी और काफ़ी बच्चे लाइन में थे, लेकिन ये अभी 7-8 महीने का जो
बिल्कुल ब्रेक लगाया, उससे काफ़ी टूटे हुए हैं बच्चे, लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाया जा रहा है कि भाई अभी मेहनत करें, अभी क्योंकि अभी दो एक महीने के बाद ही ट्रायल शुरू होंगे, तो उसमें आप मेहनत करेंगे तो दोबारा वापसी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जो बच्चे अब अच्छा कर रहे थे अभी तक और इन्हें उम्मीद थी इस साल हमें खेलेंगे वो लोग, तो उनको उन्हीं से उम्मीद बंधी हुई है कि वो इस साल नाम रोशन करेंगे। और थोड़ा बात का TMU के जो चांसलर हैं उनका कैसा सहयोग रहता है? देखिए हमेशा से स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, इतना बड़ा ग्राउंड जो बना के दिया है, ऐसा मुरादाबाद मंडल क्या, मैं यूपी में एक दो ही ग्राउंड हैं ऐसे, और इस ग्राउंड में आने के बाद ही अलग सा फील खिलाड़ी करता है, और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि ऐसा ग्राउंड हमें मिला है यहाँ पर। और चांसलर साहब का जितना भी हम शुक्रगुजार हों, उन्होंने जो कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत किया है और लगातार करते रहते हैं, मैचेस कराना, ये हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए कि आगे भी वो हमारा इसी तरह सहयोग करते रहें, जिससे कि हम और मुरादाबाद का नाम रोशन करते रहें बच्चे।